सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो यार आज आप लोगों के मतलब ऐसे आप लोगों ने केदारनाथ वीडियो देखा ही होगा, तो वहाँ पे मतलब ऐसा सीन हो रहा है कि जो मतलब मेन केदारनाथ है वहाँ पे इतना ज़्यादा गंदगी कर दी लोगों ने, इतना ज़्यादा प्लास्टिक वगैरह फेंक दिया है कि यार मतलब वो लग ही रहा कोई ऐसा धार्मिक स्थल होगा, ऐसा लग रहा है कोई पिकनिक पॉइंट होगा या फिर टूरिस्ट एरिया होगा। तो आजकल मतलब लोग यही सब कर रहे हैं, जा रहे हैं और वहाँ पे गंदा करके आ जा रहे हैं। और मतलब यार वहाँ पे भी जो लोग रहता है मतलब सरकार भी इसके खिलाफ कुछ नहीं कर रही है, सरकार उल्टा उसे मतलब और ज़्यादा डेवलप करने पे लगी है। मतलब इतनी ज़रूरत है नहीं उसको डेवलप करने की, इतने वहाँ पे होटल्स खुल रहे हैं, इतने वहाँ पे नई नई चीज़ें खुल रही है, मतलब इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं वहाँ पे, फिर भी मतलब सरकार लगी है ताकि लोग और आए और सरकार पैसा कमा सके, सारे लोग पैसा कमा सके वहाँ। तो यार ये सब चीज़ें बहुत गलत है, मतलब आप लोग खुद जाके देखना वहाँ पे, मतलब पहले से वाइब नहीं आती वहाँ पे। अब जैसे पहले मैं 2-3 साल पहले गया था तो उस समय मतलब काफ़ी अच्छा था, काफ़ी शांत था, काफ़ी साफ़ सुथरा था सब। तो अब की बार इतना गंदा हो गया सब चीज़, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है, इतना प्लास्टिक वगैरह फेंक दिया है, सबके टॉयलेट वॉशरूम सब वहीं हो गए हैं, मतलब बहुत गंदा हो गया पूरा केदारनाथ। मतलब यार कोई इस पर काम नहीं कर रहा है, अभी आने वाले सालों में तो और ज़्यादा बेकार हो जाएगा ये सब चीज़। तो बस इसीलिए मतलब यार कुछ मतलब करना चाहिए सब चीज़ों का, इतना ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है नहीं वहाँ पे। बाकी आप लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट में बताओ और वीडियो को शेयर कर दो। तो यार आप लोग खुद देख सकते हो आपके स्क्रीन पे, मतलब इतना गंदा इन्होंने हर जगह कर रखा है, बॉटल वगैरह, प्लास्टिक के सामान, यार मतलब बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया इन्होंने पूरा केदारनाथ। मतलब पहले ऐसा रहा ही नहीं है और हमारी सरकार भी इसमें कुछ नहीं कर रही है। आप लोग देख सकते हो कितने बड़े बड़े यहाँ पे बिल्डिंग्स बन रहे हैं, तो मतलब इन चीज़ों का जिन चीज़ों की ज़रूरत है नहीं वहाँ पे वो चीज़ वो ज़बरदस्ती डाल रहे हैं और पूरे मतलब ऐसे धार्मिक स्थल को ख़राब किया जा रहा है।